नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईट माय कार सर्च और मैं हूं आपका होस्ट सुनील। और आज के इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये है मारुति सुजुकी वैगन आर 2019 के बारे में। तो इस वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या मारुति सुजुकी वैगन आर 2019 वाकई में एक नई कार बन गई है और क्या ये अपने कंपटीशन जैसे कि हुंडई की सेंट्रो, टाटा की टियागो, रेनो की क्विड को काफ़ी तगड़ा झटका देने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वो सात ऐसे फीचर्स हैं, सात ऐसी खास बातें हैं वैगनार 2019 में जो सेंट्रो, टियागो, क्विड जैसी कार्स को काफ़ी तगड़ा झटका देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता होगा कि मारुति सुजुकी ने वैगन आर 2019 के लगभग सारे डिटेल रिवील कर दिए हैं। उसका एक इमेज और एक वीडियो भी अभी मारुति सुजुकी की तरफ से जारी किया गया है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। और उसको देखने से आपको इसका पूरा का पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर और इसकी डिज़ाइन के सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और इसके बेसिस पर ही मैंने ऐसे सात पॉइंट इकट्ठे किए हैं जिनके आधार पर आपको पता चलेगा कि मारुति सुजुकी वैगन आर क्यों इतना ज़बरदस्त हिट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके एक्सटीरियर को देखेंगे तो एक्सटीरियर में बहुत ही ज़्यादा चेंज किया गया है। इसमें आपको फ्रंट में नया रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्रिल दिया गया है जिसके बीच में क्रोम का स्ट्रिप दिया गया और उसके बीच में मारुति सुजुकी की लोगो है। इसके हेडलैम्प्स डुअल स्प्लिट हेडलैम्प्स दिए गए हैं और ठीक उसके नीचे आपको नए तरीके के फॉग लैम्प्स भी दिए गए हैं। साथ ही इसका जो फ्रंट बम्पर है वो भी नए डिज़ाइन के साथ आया है। और अगर आप इसके साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो इसमें आपको जो बी और सी पिलर हैं वो ब्लैक आउट किए गए हैं और सी पिलर को स्पेशली थोड़ा सा ब्लैक आउट किया गया ताकि इसका जो रूफ़ है वो फ्लोटिंग रूफ की तरह बन जाए। हालांकि फ्लोटिंग रूफ है नहीं लेकिन उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें आपको अलॉय व्हील्स शायद ना मिले टॉप एंड वेरिएंट में भी, लेकिन इसमें 13 और 14 इंच के व्हील्स मिल जाएंगे, आपको स्टील व्हील्स मिल जाएंगे। अगर आप इसके रियर लुक को देखें तो रियर लुक भी काफ़ी नए डिज़ाइन के साथ आया है। इसमें आपको नए तरीके के वर्टिकल टेल लैंप्स दिए गए हैं जो काफ़ी आकर्षक दिखते हैं और साथ ही साथ इसका रियर बम्पर भी नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ये तो रहा एक्सटीरियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट जो है इसका प्लेटफॉर्म। इसको एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म यानी कि हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। हार्टेक प्लेटफॉर्म मारुति सुजुकी के लिए नया नहीं है क्योंकि ये स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर, इग्निस जैसे कारों में ऑलरेडी यूज हुआ है, लेकिन ये वैगन आर के लिए नया प्लेटफॉर्म है और इसको हार्टेक प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र किया गया है जिसकी वजह से ये अपने करंट सेलिंग मॉडल यानी कि जो अभी वैगन आर बिकती है उससे कुल 60-65 किलो के आसपास कम हो जाएगी यानी कि लाइट वेट हो जाएगी और जिसकी वजह से इसका फ्यूल इफिशेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मारुति सुजुकी की माने तो उसका हार्टेक प्लेटफॉर्म एक काफ़ी ज़्यादा सेफ प्लेटफॉर्म है और डेफिनेटली ये वैगन आर जो पहले बिकती थी या अभी तक जो बिक रही है उससे तो काफ़ी बेहतर होगा ही होगा। तो नए प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी पहले की तुलना में और फ्यूल एफिशिएंसी तो बढ़नी ही बढ़नी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। तो अगर हम इसके डायमेंशंस को ध्यान से देखें तो ये इसकी लंबाई कुल 56 mm के आसपास बढ़ाई गई है, इसकी चौड़ाई 125 mm से बढ़ाई गई है और इसके हाइट को 25 mm से कम कर दिया गया है यानी कि ये पहले से थोड़ी कम टॉल बॉय लुक के साथ आएगी लेकिन अभी भी ये प्रॉपर टॉल बॉय लुक के साथ ही आ रही है। और इसका जो व्हील बेस है वो लगभग 25 mm से बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इन डायमेंशंस के साथ आपको ये कार ज़्यादा बड़ी कार होने का एहसास दिलाएगी और शायद मारुति सुजुकी यहाँ पर रेनो क्विड के जो SUV लुक वाला डिज़ाइन है उसको कम्पीट करने की कोशिश की जा रही है। वैगन आर को भी एक SUV लुक देने की कोशिश की जा रही है और इस चेंज डायमेंशंस के साथ वैगन आर का इंटीरियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है पहले की तुलना में। और इसमें आपको लेग रूम, शोल्डर रूम पहले की तुलना में ज़्यादा मिलने वाला है। हालाँकि इसमें जो हेड रूम है वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे पॉइंट की जो है इसका इंजन।
इसमें 1 लीटर का जो इंजन पहले से आता था वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन नया आएगा जो देगा 83 पीएस की पावर और 115 एनएम का पीक टॉर्क। तो अब ये जो इंजन है ये 4 सिलेंडर इंजन होने वाला है, एक बड़ा इंजन। अब ये आएगा वैगनार के साथ और वैगनार अब इस नए 1.2 लीटर इंजन के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगी और आपको बेहतर पिकअप वगैरह भी मिल जाएगा। और इसके साथ ही वैगनार LPG और पेट्रोल में पहले दिन से ही उपलब्ध होगी जब इसका 23 जनवरी को लॉन्च होगा तब से, लेकिन CNG शायद थोड़े दिनों बाद लॉन्च किया जाए वैगनार के साथ। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की जो है इसका इंटीरियर। तो अगर आप इंटीरियर को ध्यान से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम इंटीरियर लग रहा है, अगर आप करेंट सेलिंग वैगनार के इंटीरियर से इसकी तुलना करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है इंटीरियर। डुअल टोन इंटीरियर ब्लैक और बीच के साथ आएगा ये, इसका स्टीयरिंग व्हील भी नए तरीके से दिया गया है और इसमें आपको ऑडियो कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, साथ ही साथ इसमें आपको टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाएगा जो आपको इग्निस स्विफ्ट वगैरह में मिलता है, सेम वही टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे भी दिया गया है। तो इंटीरियर भी काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, क्वालिटी भी मेरे हिसाब से पहले की तुलना में काफ़ी बेटर होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी की अगर बात करें तो वैगनार अभी तक बिल्कुल भी सेफ कार नहीं थी, बिल्कुल भी किसी भी सेफ्टी फीचर्स के साथ नहीं आती थी और यहाँ पे जो है हुंडई सेंट्रो काफ़ी पॉइंट ले जा रही थी वैगनार की तुलना में। तो मारुति सुजुकी ने यहाँ पे डुअल एयरबैग ABS EBD आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट जैसे फीचर्स को 1.2 लीटर इंजन के साथ स्टैंडर्ड कर दिया है और 1 लीटर वाले इंजन के साथ आपको ड्राइवर एयरबैग ABS EBD और आइसोफिक्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे भी आपको सेफ्टी पूरी की पूरी मिलने वाली है। इसके साथ ही हम बात करते हैं जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि अब एक नए 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ जो आपको ज़्यादा बेहतर पावर देगा, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, नए चेंज डायमेंशंस के साथ और नए हाईटेक प्लेटफॉर्म के साथ मारुति सुजुकी वैगनार देने वाली है आपको बेहतर राइड और हैंडलिंग क्वालिटी, यानी कि अब इस कार को राइड करना, इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी बेहतर होने वाली है, इसकी राइड और हैंडलिंग क्वालिटी बहुत ही बेहतर होने वाली पहले की तुलना में। और क्योंकि इसको हाईटेक प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र किया गया है तो इसमें जो पहले की तुलना में बॉडी रोल हुआ करता था वो भी अब कम होगा और इसके कम होने के कारण ये है कि इसके लेंथ को बढ़ाया गया है और इसके व्हील बेस को भी बढ़ाया गया, साथ ही साथ इसके विड्थ को भी बढ़ाया गया, जिसकी वजह से इसमें अब बॉडी रोल पहले की तुलना में कम होने की संभावना है। हालांकि एग्जैक्ट चीज़ जब हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे तभी बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल के हिसाब से ये काफ़ी बेहतर राइड और हैंडलिंग देने वाली है और इस सेगमेंट में ये काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली कार भी बन सकती है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी बड़ा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है सेम वैगनार के साथ। तो ये तो थे वो 7 पॉइंट जिनकी वजह से मारुति सुजुकी वैगनार अपने सेगमेंट में, यानी कि जिस सेगमेंट में टियागो क्विड सेंट्रो जैसी कार्स आती हैं उनको काफ़ी तगड़ी टक्कर देने वाली है और फिर से मारुति सुजुकी इस सेगमेंट में धमाल मचाने वाली है। आप क्या सोचते हैं नई वैगनार 2019 के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ही लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपके पास कुछ सवाल है या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, बाय बाय, टेक केयर। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।